अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम कुछ इटालियन खाएंगे। आज हम दो टाइप के पिज़्ज़ा बनाएंगे, एक वेजी पिज़्ज़ा और एक गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा। इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि डोमिनोज से कम भी नहीं है। इसको आप टेस्ट करना है तो खुद ही बनाना पड़ेगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनते हैं घर पर ही और कम प्राइस में भी बन जाते हैं। महंगे पिज़्ज़ा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही हम आसानी से मार्केट में मिलने वाली चीज़ों से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है देख लेते हैं। चिली फ्लेक्स ले लेंगे, उबाल के कॉर्न को ले लेंगे आधा कप के जितना। ये शिमला मिर्च है लाल वाली यानी कि पेपरिका। ये पिज़्ज़ा सॉस है, चीज़ है ये पिज़्ज़ा के लिए। ऑलिव्स है, ब्लैक या ग्रीन कोई भी ले सकते हैं। ऑर्गेनो ले लिया है। ये पीली शिमला मिर्च है यानी कि येलो पेपरिका। ये ग्रीन शिमला मिर्च है यानी कि कैप्सिकम। देखिए मैं दो पिज़्ज़ा बेस ले ली हूँ, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पिज़्ज़ा बेस ले लेंगे, इस पर पिज़्ज़ा सॉस को लगा लेंगे अच्छे से। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आपको जितना चाहे उतना अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को लगा लें। इसके ऊपर अब पिज़्ज़ा चीज़ डालेंगे या मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, भर भर के जितना चाहे आप चीज़ डाल लें। देखिए इसके ऊपर हम कैप्सिकम को सजाते जाएंगे, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप दूसरे वेजीज भी डाल सकते हैं, जैसे कि मशरूम डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के आपको जो मनपसंद वेजीज है उसको डाल के बना सकते हैं। ऑलिव्स को भी डाल देंगे, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं ऑलिव्स, ग्रीन या ब्लैक कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप अपना मनपसंद डिज़ाइन भी बना सकते हैं इसमें। आप थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल लेंगे, आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे ऊपर से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से और थोड़ा चीज़ भी डाल लेंगे, चारों तरफ फैला लें। देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको बेक कर लेंगे, घर पे ही आसानी से हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। दिखने में खूबसूरत है और खाने में भी उतना ही बढ़िया लगेगा आपको ये पिज़्ज़ा। आपके मेहमानों को, बच्चों को बना के खिलाइए, सभी बहुत खुश हो जाएंगे, उतना बेहतरीन बनता है ये। इस रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए कढ़ाई या एक बड़ा सा पॉट ले लेंगे, कढ़ाई मेरे पास बड़ा नहीं था तो बड़ा सा पॉट ले लिया है। इसमें नमक डाल लिया है, ऊपर से एक स्टैंड रख दिया है, इसको प्री हीट कर लिया है 10 मिनट पहले ही, मीडियम फ्लेम पर रख दी थी मैं। देखिए पिज़्ज़ा को लेके एक स्टील वाले प्लेट में रख देंगे, इस पर रख के पॉट में स्टैंड के ऊपर इसको रख देंगे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, अच्छे से इसको कवर करके बेक कर लेंगे। चीज़ को अच्छे से मेल्ट होना है और थोड़ा वेजीज थोड़े से हल्के से पक जाना है, 10 से 15 मिनट तक कवर कर देंगे इसको। देखिए दूसरा कॉर्न पिज़्ज़ा बना लेंगे हम, बेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, इसके ऊपर जितना चाहे आप चीज़ डाल लें, जितना डालेंगे उतना ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। इसके ऊपर उबले हुए कॉर्न डाल लेंगे, बच्चों को कॉर्न बहुत पसंद आते हैं, भर भर के डालिए। अब इसके ऊपर ऑर्गेनो को स्प्रेड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना। ऑर्गेनो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़ा में। इसके ऊपर और थोड़ा चीज़ डालेंगे हम, जितना चीज़ डालेंगे उतना पिज़्ज़ा अच्छा रहता है खाने में। चीज़ डालने में कंजूसी ना करें बिल्कुल। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी है, गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा, कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। इसको अच्छे से बेक कर लेंगे, अच्छे से बेक करने से क्रिस्पी बनता है बेस, चीज़ अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है। देखिए ये हमारा वेजी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, इसको निकाल लेंगे।
देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, वेजेस भी थोड़े बहुत पक गए हैं, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। देखिए गोल्डन कॉर्न पिज्जे को भी रख देंगे, इसको भी 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेना है। देखिए ये भी पिज़्ज़ा बनके तैयार है, अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया है। देखिए हमारे दोनों भी पिज़्ज़ा बनके तैयार है, ये गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा है और ये वेजी पिज़्ज़ा है। इसका टेस्ट इतना बेहतरीन था, बच्चे तो आराम से खा लिए, मुझे भी रोक नहीं पा रही थी, उतना टेस्ट था। बनाते ही मैं भी टेस्ट करने लगी इसको। इस रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसको कट कर लेंगे, टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। आप बड़े बड़े पीसेस भी काट सकते हैं, छोटे भी काट सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट सकते हैं। हम चार लोग हैं तो चार ही पीस मैंने कट किया, आप इसमें और छोटे भी कर सकते हैं। आठ पीसेस भी बना सकते हैं हम आप इसमें। देखिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा घर पे ही रेडी हो गया है, अवन की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना बढ़िया पिज़्ज़ा बन के तैयार है। इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी है, बहुत ही यमी है इसका टेस्ट, आप ज़रूर ट्राई करें। दोनों पिज़्ज़ा को भी मैंने कट करके टेस्ट कर लिया। देखिए ऐसे छोटे पीसेस में भी आप काट सकते हैं। दोनों पिज़्ज़ा भी बहुत बढ़िया बने थे, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत इजी क्विक बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। आप लोग देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।